नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शाजापुर जिले की सलसलाई थाना क्षेत्र के कई गांव में चोरों के द्वारा धावा बोला जा रहा है। किसानों के जंगलों से कई सामानों की चोरी की जा रही है, जिसकी शिकायत सलसलाई थाना प्रभारी को कई बार की गई, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के कारण चोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ज्ञापन देते समय थाना प्रभारी ने किसानों को समझाया कि अपने सामान की सुरक्षा आप भी कर सकते हैं। एक तरफ जहां पर मतदाता इसलिए वोट करता है कि अच्छी सरकार बनेगी तो सुरक्षित रहेंगे, चोरियां रुकेगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, लेकिन मतदाता और किसान सरकार बनने के बाद में अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। चलो सरकार बदलेगी, ऐसे बड़े बड़े वादे चुनाव के समय किए जाते हैं, लेकिन हालात जस के तस है। पता नहीं देश का सिस्टम कब बदलेगा, कब इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, कब तक चोरियां होती रहेगी, कब तक इंसान लुटाता रहेगा। जो व्यवस्थाएं शासन ने लोगों के द्वारा बनाई है, वह सिस्टम से लोगों को कब फायदा मिलेगा। जिस सिस्टम पर लाखों रुपए खर्च करते हैं सरकार, वही सिस्टम खेल होता है। दिखाई दे रहा है कि किसान भारत के लिए अन्न पैदा करता है, वही अन्नदाता परेशान है। अगर इसी तरह किसान परेशान होता रहा तो वह दिन दूर नहीं किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। आखिरकार हजारों किसानों के द्वारा थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया कि क्षेत्र में इसी तरह चोरी होती रही तो आने वाले समय में सलसलाई थाना क्षेत्रफल लाखों की तादाद में किसानों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक तरफ जहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार का विधानसभा क्षेत्र शुजालपुर है, अगर इसी तरह किसानों के यहां पर चोरियां होती रही तो चोरी पर अगर अंकुश नहीं लग पाया तो आने वाले समय में चुनाव में किसानों की नाराजगी देखने को मिल सकती है। आखिर कब बदलेगा देश का सिस्टम। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर रख दिया, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सरकार क्यों फेल होती नजर आ रही है। आए दिन क्षेत्रों में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर सरकार को प्रशासन पर ध्यान देना होगा, अन्यथा किसान का गुस्सा सरकार पर गिरेगा। गावंडी खेड़ा, बद मंगलाज, किलोदा आदि गाँव में लगातार चोरियां होती आ रही है। देखना होगा कि प्रशासन को सफलता कब मिलती है। प्रेम सिंह जादव की रिपोर्ट। तो जो रिकॉर्ड हमारा उसमें वर्कर वगैरह बनता है, तो रिकॉर्ड वैसे होता है, मान लो पूछताछ के लिए समझौता कर लिया, कोई बात वो गलत है। हां उनमें नहीं आया, नहीं आता रिकॉर्ड में, वो सही बात है भाई। एक चोरी हो जाए, दो चोरी, लगातार 4260 चोरी बहुत बड़ी बात है। मतलब है ना, मतलब चोर ज्यादा समझदार हो गए अपने से, आपने ज्यादा चोर समझदार, मतलब सर वो ट्यूबवेल के ले जाते हैं, बिल्कुल बोर्ड से काटते हैं, फिर खींचो उसको, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी, मतलब हमको एक गांव में 70 से 1 लाख रुपए का बीच में है नुकसान, एक गांव में। ना अभी ऐसा है सर कि अभी किसान भी कुएं पे नहीं जा रहे हैं, मतलब सुनसान ही रहता है। सुरक्षा एक तो क्या है कि आदमी जैसे हम तो कर ही रहे हैं, तो अपने आप में अपनों को भी उसके एक घंटे आगे पीछे जाता है बस। हाँ तो अपनों को पता लगे कुछ किस टाइम पे हम उस टाइम पे आ जाए। वो तो चालू लाइट में खेल जमा ले साहब, इतने वो पे पड़ी हुई है पुराने मकान जो डबरी बनी हुई है, उसमें केबल वायर और मोटर वोटर चोरी की शिकायत है। पहले भी एक आध प्रकरण कायम कर रखा है और हम लोग उसमें कर रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं। अभी फिर वारदात हुई है तो सभी सामूहिक लोग होकर इकट्ठे होकर ज्ञापन देने आए कि इसमें लगातार गश्त पड़ी जाए।